नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बस्ती में विधायक अजय सिंह नदी में डूबने से बाल बाल बच गए। दरअसल एडीएम कमलेश चंद्र और एसडीएम गुलाब नाव से ही बाहर सामग्री बांटने जा रहे थे। इस दौरान हाई वाटर फ्लो की चपेट में आने से उनके नाव में पानी भर गया, जिसके बाद किसी तरह पास में टापू पर जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के अधिकारों का जिला प्रशासन द्वारा लगातार हनन किया जा रहा था और पत्रकारों के स्वतंत्रता खत्म होती नजर आ रही है। और जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया द्वारा लगातार पत्रकारों के हितों के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार कर अपनी नाकामी छिपाने में लग गया है। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिख बिना जांच के ही जेल भेजे जाने पर आमादा है। और बताते चले कि पूरा मामला बुलेंदखंड के बांदा जिला मुख्यालय से चंद कदम दूर अशोक लाट अनशन स्थल से सामने आया है, जहां विगत दिनों में ही पुलिस की गैर जिम्मेदार कार्यशैली और खनन माफियाओं की मिलीभगत से जेल गए 7 निर्दोष पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए 20 दिन से अनशन पर हैं। और जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी जिला प्रशासन की अर्थी निकालते हैं तो कभी पुतला फूंकते हैं। शायद जिला प्रशासन का उनकी समस्या को संज्ञान ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। न्यायिक जाँच करे पूरे मामले की, लेकिन जिला प्रशासन उनकी सुनने को ही तैयार नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? के दीक्षित नाम है। किस तरह का जिला प्रशासन का अर्थी लेके जा रहे थे? क्योंकि आपको संज्ञान है पहले से ही, हमने एक दिन अर्थी निकाली थी, इसके बाद फिर हमने पुतला फूंका था। उसी संदर्भ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा था, परंतु प्रशासन ने कहा कि नहीं, आप लोग विसर्जन नहीं कर सकते हैं, और दबाव बनाया और हमारी उस अस्थि विसर्जन की पात्र को खींच लिया और कह रहे हैं हम खुद ही जाके अस्थि विसर्जन करेंगे। यूपी के पीलीभीत जनपद में पीईटी परीक्षा के दौरान सोल्वर गैंग ने ही सेंधमारी कर दी है और दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे एक युवक को केंद्र व्यवस्थापक ने पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस को सौंपा गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि 3 टीमें गठित की गई, जिससे फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल युवक से सदर कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 16/10/2022 को प्रारंभिक अर्थ परीक्षा पीईटी का एग्जाम आयोजित किया जा रहा था। बैना पब्लिक स्कूल पीलीभीत में एक सेंटर था, इसमें एक छात्र अपना प्रवेश पत्र लेकर के उसमें प्रवेश दे रहा था। जब इसका प्रवेश पत्र से और इसका प्रस्तुति पत्र से मिलान किया गया, इसमें भिन्नता पाई गई, केंद्र व्यवस्था द्वारा सूचना दी गई, उनके द्वारा इसमें FIR पंजीकृत कराई जा रही है। इससे पूछताछ की गई, उसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है और अभियोग पंजीकृत करके इसमें 3 टीमें गठित की गई हैं। टीमों को रवाना किया गया है कि इसके द्वारा कहाँ से एडमिट कार्ड बनवाया गया है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराया गया है, इसमें गहनता से पूछताछ करके आगे व्यक्ति कार्रवाई की। हरदोई में बेटिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित बहादुर बेटिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के सम्मान समारोह में पहुंचे प्रदेश के ही आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार नारी सम्मान सुरक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार तमाम सरकारी योजनाओं को संचालित कर रही है, जिनके माध्यम से नारियों की सुरक्षा और सम्मान बरकरार रह सके। को और महिलाओं को के सशक्तिकरण में अपने काम कर रही है। आज उन सभी महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित भी किया गया है। और मुझे खुशी है, जैसे प्रदेश सरकार भी तमाम योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण में के काम में लगी हुई है, काम कर रही है, सुरक्षा के लिए, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में मैंने आज फाउंडेशन के लोगों को भी बधाई दी और मैंने आश्वस्त किया है कि आपको भी उस सरकारी योजनाओं से जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जो सरकार प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। और मैं जो भी सहयोग कर सकता हूँ फाउंडेशन का, मैं करता रहूँगा, जिससे आपका फाउंडेशन कल जनपद ही में नहीं बल्कि जनपद से बाहर भी योजनाओं को जोड़कर और लोगों महिलाओं को और मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा सके।
समाजवादी कार्यकर्ता जो है मुलायम सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है, नेताजी बहुत बड़े नेता थे और उनके जाने की एक अपूर्णीय क्षति है। ये एक विषय केंद्र सरकार का है, मांग सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, और ये विषय केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार किसको क्या सम्मान देना है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के सभी जिम्मेदार लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करी है। अब खबर औरैया से है। औरैया में ग्राम प्रधान का परिवार दहशत से ही घर में कैद है। 3 दिनों से परिवार के 9 लोग घर में कैद हैं। दबंग खनन माफियाओं के डर से खुद को परिवार ने कैद कर लिया है। पीड़ित परिवार ने जान और माल का खतरा भी जता दिया है। परिवार वालों का आरोप है कि दबंगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती हुई नजर आती है। पीड़ित परिवार ने योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार भी लगाई है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर मिहोली के समीप तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत को देखते हुए रेफर भी कर दिया गया है। एक मिथुन नाम का व्यक्ति, पुत्र बलबीर और एक रवि कुमार, पुत्र संतोष, जो ईटों का रहने वाला है, गोवन थाना और जागरण का, ये घायल अवस्था में आए हैं एक्सीडेंटल में। एम्बुलेंस इनको 108 लेके आई है और इनकी गंभीर अवस्था के कारण इनको प्राथमिक उपचार के बाद इनको सैफे रिफर कर दिया है। मौजूद दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और आग का कारण शॉर्ट सर्किट भी बताया जा रहा है। फिलहाल आग बुझाने की कवायद अभी जारी है। चंदौली के सकल डीहा कोतवाली क्षेत्र के तुलसी आश्रम नौनार गांव में ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूरे प्रदेश में सावधान यात्रा के दौरान रविवार को ही जनसभा आयोजित थी और इस दौरान ही उन्होंने यूपी के साथ बिहार में भी जोर आजमाइश के लिए ही 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाली गांधी मैदान पटना के रैली में ही पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और उन्होंने कहा कि कमर कस के ही आप लोग लग जाइए। ओम प्रकाश राजभर को अन्य पार्टियां खुद खोजें और आगामी 2027 में मुख्यमंत्री भी बना सके। कि अभी तो हम उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी के बीच में, और उनको हम संगठित कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत पैदा कर रहे हैं, और एक कटु सत्य है कि देश की सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। चैलेंज कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई देश का कोई दल हो, सभी लोग गठबंधन से सरकार बना रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश प्रदेश हो, सब जगह गठबंधन की सरकारें हैं। तो हम अपनी ताकत अभी पैदा कर रहे हैं, जब टाइम आएगा 24 का चुनाव आएगा 27 का, तो फिर देखा जाएगा। गाजीपुर में पीईटी परीक्षा को लेकर आने वाले और जाने वाले छात्र परीक्षार्थियों की सुरक्षा को लेकर ही पुलिस प्रशासन ने सिटी रेलवे स्टेशन और रोडवेज परिसर तक फ्लैग मार्च किया है और किसी प्रकार से परीक्षार्थियों को दिक्कत और दुर्घटना के मद्देनज़र परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। क्या इसका उद्देश्य क्या है सर, कैसे क्या ये कल से पिट की परीक्षा संपादित हो रही थी और आज सकुशल संपादित हुई है। उसी में चूँकि रेलवे स्टेशन, रोडवेज और भी स्थानों पर भ्रमण किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि कहीं बच्चे अगर इकट्ठा हों तो उनको बताया जाए कि वो चाहे बस पकड़ लें चाहे ट्रेन पकड़ लें, उनको कोई असुविधा हो तो उनको सुरक्षा की भावना से ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं बलरामपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक ट्रैक पार कर रहा था और इसी दौरान वो चपेट में आ गया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल अस्पताल भेज दिया है। फर्रुखाबाद में स्कूटी सवार दंपति को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी है और टक्कर लगने से पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जानकारी है कि जब पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने आनन-फानन में ही गंभीर रूप से घायल युवती को CHC शमशाबाद में ही भर्ती करवा दिया है। सीतापुर के तुलसीपुर गांव में ही भूमि कब्जे करने को लेकर दो पक्षों में कई राउंड फायरिंग चले जिसमें दो बच्चों समेत ही 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को मौके पर ही धर दबोचा और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। यूपी के औरैया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां औरैया कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर महोली गांव के ही पास हुए कार और ट्रक की भीषण टक्कर में ही एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं SP चारू निगम ने मीडिया से जानकारी लेते हुए बताया है कि घायलों का ही इलाज करने के बाद ही सेट में रेफर कर दिया गया जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। थाना कोतवाली अंतर्गत हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जहाँ पे मिलते हैं उस पर आज सुबह 8 बजे करीब एक सूचना आई मिहौली कट पड़ता है। मिहौली पे एक डाक की गाड़ी आ रही थी डाक पार्सल की और ये लोग आ रहे थे, ये कानपुर जा रहे हैं, मैनपुरी के रहने वाले हैं। संतोष कुमार अग्रवाल जो करहल रोड अग्रवाल मोहल्ला ये मैनपुरी है इनका घर, ये पूरा परिवार जा रहा था, हस्बैंड वाइफ इनकी 2 बेटियां और एक बेटा और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वैगन आर गाड़ी है। लेफ्ट साइड से इनका एक्सीडेंट हुआ है, संभवतः ओवरटेक कर रहे थे या फिर दोनों एक साथ मिल रहे थे तो लेफ्ट साइड से गाड़ी बड़े जो ट्रक है उसमें घुस गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।